guys, what is up? So today we are off to Drelingen Den. So just check out the road, it's so beautiful. So guys, we have spotted few of the animals here. We have spotted a peacock, a mongoose, a monkey and a deer. Let's have a look. I hope you people can see. Okay, so guys, we have spotted one more deer here, and we've reached the location, and you guys can have a look. By the way, that's my cousin there. Hi, come here. He's my cousin, and he's got us for a local trip of whole Junagadh today. So let's see what's coming up new. Stay tuned. है वेलिंगडन डैम। ये यहाँ के थर्ड नवाब, जूनागढ़ के थर्ड नवाब, नवाब का नाम था मोहब्बत खान। तो उन्होंने ये डैम बनवाया था, और ये कहा जाता है कि ये गुजरात का सबसे ओल्डेस्ट डैम है। और उसके बाद उन्होंने ये कोई अंग्रेज के कोई फॉरेनर के नाम पे देव सेट द नेम, सो द नेम देव कैप्ट इज वेलिंगडन डैम। ओके, एंड यू कैन सी द डैम, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। There are also crocodiles here. खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी। We are now at Upper Court. It's in Junagadh. It's the most famous place and most important place to see in Junagadh. But our bad luck that it's under renovation. You can see here, they are doing some construction. But the good thing is we have got a guide here. He's 30 years from last 30 years he is doing the guiding, and here he is. क्या का तुम्हारा नाम? Dilip Soni. So Mr. Dilip Soni will now explain us everything about Junagadh and specially this place. So let's have a look. ऊपर कोट जिला ने उग्रेश्वर महाराज ने बनवाया। उग्रेश्वर महाराज जो कंस के फादर और कृष्ण के नाना होंगे उसी ने पूरा किला बनवाया। लेकिन पूरा रेवचल नाम का पर्वत था, पर्वत के ऊपर किला बना दिया, इसलिए किले का नाम है ऊपर कोट किला, क्योंकि पहले पुराना गांव ही किले के अंदर था। ये भारत जितना देखो ये जंगल था, लेकिन अभी किले में जंगल और बाहर गांव है। उसका कारण है कि जूनागढ़ के अंदर जो जूनागढ़ का आखिरी हिंदू राजा हो गया मांडलिक राजा, तो पहले के जमाने के अंदर किले में ऐसा था कि कोई भी यहाँ राजा राजगाड़ी पर बैठने के लिए आता है तो उससे चांद की लड़की तिलक करने जाती है। जब यहाँ के आखिरी राजा राम मांडलिक को चांद की लड़की तिलक करने जाती है तो यहाँ का राजा चारों दिशा के अंदर घूमने लगता है, क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई। उसकी बहन मारने की बजाय उसकी पत्नी मारने लगता है, जो रोनाक भाई चांद की लड़की यहाँ सांप दे देती है कि जहाँ पर तेरा महल है वहाँ पर मस्जिद हो जाएगी, यहाँ तेरा गाँव है वहाँ पर जंगल हो जाएगा। ये सामने के भाग में अंदर हिंदू राजाओं का महल था, ये महल तो मस्जिद बनवा दिया मोहम्मद गजनवी बादशाह ने,
और बाद में लास्ट में जुनागढ़ में मुस्लिम लोगों का राज आया। सभी 1947 के साल के अंदर जूनागढ़ में आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने पूरे जूनागढ़ को आजाद करा दिया। यहाँ के नवाब जो पाकिस्तान चले गए, तो पहले की जो कोई राजा की प्रॉपर्टी थी, ढाल तलवार हथियार, राजाओं की कुर्सी, अभी जूनागढ़ का म्यूजियम है ना, सब म्यूजियम के अंदर रखा है। और यहाँ पर है गुजरात की प्रख्यात और पवित्र स्टेपल है बावड़ी। जो बावड़ी यहाँ का राजा ने पूरे गांव को पानी पिलाने के लिए बावड़ी बनवाया, लेकिन बावड़ी बनाने के बाद पानी नहीं आया। तो पहले के जमाने के अंदर बड़े बड़े राजज्योतिष को मानते थे, राजज्योतिष बोलते ना ब्राह्मण, उस ब्राह्मण ने कहा था इस बावड़ी के अंदर दो कुंवारी कन्या बलिदान देगी तभी पानी आएगा। जब इस किले की महारानी थी उसकी जो राशि थी काम करने वाली यति और चेती नाम की दोनों बहन, उसी ने बलिदान दे दिया, बाद में अंदर से पानी निकला। अभी पुरानी लोगों की मान्यता है कोई भी आदमी 172 सीढ़ी अंदर जाके अंदर से पानी का कुकर मुंह में ले आता है और 12 पीपल का थल है वहां पर वो पानी निकाल देता है। बाद में 5-7 पत्थरे लगाते हैं उतने मार्ग को एयर कंडीशन मकान मिलता है, लेकिन इस जन्म में अगले जन्म में इस जन्म में गिरा देते भी नहीं मिलता। और एक फेमस अंदर नवघन कुआ है, इस किले के अंदर यहाँ का राजा हो गया रहा नवघन राजा, उसी ने पूरा कुआ बनवाया। कुओं को बनाने में 24 साल लगे हैं। इसके ऊपर से उन्डे 350 फुट अंदर जाने के लिए 236 सीढ़ी है, लेकिन दिन में कभी भी अंदर जाना हो तो चाहे मेणबत्ती हो तो अंदर जा सकते हो। और यहाँ पर दरवाजे के अंदर दो मूर्ति है, जो पहला मंदिर है मारुति जी का, उसके पास में गणपति महाराज है। जो जूनागढ़ के अंदर जूनागढ़ का आखिरी हिंदू राजा हो गया रहा मांडलिक राजा, उसी ने 550 साल पहले दोनों मूर्ति की स्थापना की है, बजरंगबली और गणपति महाराज की। तो यहाँ से स्टार्टिंग किले का शुरू होता है, लेकिन अभी अंदर काम चालू है 1 साल से। हम यहाँ के गाइड है, 30 साल से गाइड का काम कर रहे हैं, हमारा भी धंधा भी बन है। आप यहाँ तक आए हो तो इतना थोड़ा समझ लेंगे। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है ना तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से। Have reached मकबरा, मोहब्बत है मकबरा। सो आई डोंट नो द डिटेल हिस्ट्री अबाउट इट, मुझे इसकी हिस्ट्री बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट जूनागढ़ में इसको मिनी ताज कहा जाता है। ओके एंड लेट्स हैव अ लुक, देयर इट इज। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वी कैन नॉट गो इनसाइड, बट आई होप जब मैं सेकेंड टाइम आऊँ तब इसको और अच्छी तरीके से हम देख पाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड नाउ। Now it's around 12:30, so we are very hungry and on the way to lunch. Yeah. Guys, we've reached to Patel and you guys won't be able to hear us If you want to have an authentic Kathiyawadi Gujarati food, we should definitely come here. Let's have a look. સ્વાદ પ્રિય જનતા પોતાની ધારણનો સ્વાદ માણવા માટે આજે જ પધારો ઈજીપી ધ ગ્રાન્ડ પટેલ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર બેસ્ટ ગુજરાતી થાળી ફેસ ઓફ જૂનાગઢનો અવોર્ડ જીતનાર એકમાત્ર ફૂડ આપ્યું એટલે Guys, you can see it's so crowded and well uniformed. They serve all type of foods, Punjabi, Gujarati. There's the madam. To complete this thali in 40 minutes, single person, and then they'll reward you 11,000 rupees. Free bill and they'll do a room tour, but it's not possible, so we are three and we are sharing the plate, but it's so much hot outside and I don't want to experience that thing, but we'll definitely enjoy the Bahubali thali all together. वेज रायता, रसन सैलड, वेज मंचूरियन ड्राई, ये पावर टिक्की है जो हमारी गुजराती थाली में आता है स्पेशली, ये हरा भरा कबाब, वेज हरा भरा कबाब, ये वेज स्प्रिंग रोल, काजू का सब्जी दो, पालक का सब्जी दो,
वेजिटेबल का सब्जी दो, पनीर की सब्जी दो और दो गुजराती यहाँ की स्पेशल गुजराती थाली का सब्जी, मसाला बैंगन एंड मटर का सब्जी, दो दाल फ्राई, दो जीरा राइस, दो वेज बिरयानी एंड दो ग्रीन चटनी है, सेजन चटनी, स्टोव मिर्ची है जो हमारी स्पेशल गुजराती थाली में रहते हैं, चार रोस्टेड पापड़ है, दो स्वीट लस्सी है, ये रोटी बास्केट, एक बटर पराठा है, एक बटर नान है, लच्छा पराठा है, बटर कुलचा है, मेथी रोटी है एंड बटर रोटी, चार कुलचा रोटी और बटर। Hi guys, so we are now at Bhavnath Mahadev Mandir. It is on the way to Girnar. Let's have a look. Amrama Brahmanilimpanirchari Vilola Vichi Vallari Virajamana Murdhani OTP platform माध्यम से जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं उनको भवनाथ मंदिर की ओर से मैं अतुल दवे और मेरे साथ महाराज श्री ज्वालागिरी जी जो खड़े हैं उन दोनों की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मृगी कुंड, इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये मृगी कुंड जो है वो उज्जैन के राजा जो भोज थे, जो चंद्रवंशी राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और ये मृगी कुंड के पीछे भी एक लोक वाक्य है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप आराम से सुन लीजिए। ये कुंड मृगी कुंड के नाम इसलिए पड़ा कि राजा भोज एक बार शिकार के लिए गए थे वन में और उन्होंने एक ऐसी कन्या देखी कि जिनका मुंह मृग का था और शरीर स्त्री का था। उनको देख के राजा उन पे मोहित हो गए और राजा ने उस कन्या जो मृग कन्या थी उनको अपने साथ वो राजभवन में ले आए। राजभवन में आते उन्होंने ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों से वार्तालाप किया और बोला कि ये जो मृग कन्या है इनका जो मूल स्वरूप स्त्री का है वो कैसे प्राप्त होगा। तो ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों ने फिर राजा से बोला कि ये जो कन्या है उनको हम दिव्य शक्ति से वाचा देते हैं और दिव्य शक्ति से उनको वाचा दी तो मृग कन्या ने बताया कि मैं राजा के साथ छह जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, एक ऋषि के श्राप के कारण मेरा ये हाल है, लेकिन अगर रेवताचल जो आज गिरनार के नाम से जाना जाता है वहाँ पे सुवर्णरेखा नदी बह रही है वहाँ जाके अगर मुझे कोई स्नान कराएंगे तो मेरा मूल स्वरूप जो है स्त्री का वो मुझे वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये जो जल है वो इतना पवित्र है कि भारतवर्ष में जितने भी 42 नदियां जो पुराणों में बताया है वो जो बह रही है सबका जल इस कुंड में मिला हुआ है। तो राजा भोज ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों के साथ ये कुंड में आए, कुंड के पास आए, उस टाइम यहाँ पे सुवर्णरेखा नदी बह रही थी, वहां पे आके उन्होंने यज्ञ यज्ञादि कार्य किए और मृग कन्या जो थी उसको उस नदी में स्नान करवाया, तो स्नान करने के बाद तुरंत ही वो मृग कन्या अपने मूल स्वरूप में आ गई और कन्या बन गई। तो फिर राजा ने ये कन्या जो बन गई ये कुंड का पवित्रता और पानी की पवित्रता को देख के कलयुग में भी ये लोग इनका यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक कुंड बनाया और मृग कन्या के नाम से इस कुंड का नाम पड़ा मृगी कुंड। तो ये पवित्र कुंड मृगी कुंड के नाम से जाना जाता है। आज महाशिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं नागा साधुओं का दर्शन करने के लिए आते हैं। रात को 12 बजे भवनाथ महादेव की महाआरती पूरी होती है, मेन गेट खोला जाता है, उसके बाद जितने भी नागा साधु दिगंबर साधु जो लोग हैं वो आके इस कुंड में स्नान करते हैं और फिर महादेव जी का दर्शन करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महादेव नवनाथ 84 सिद्ध इस कुंड में आके साधुओं के स्वरूप में आके स्नान करते हैं। ये इतना पवित्र कुंड है और साथ में ये स्वयं भवनाथ महादेव विराज हुए हैं। आप सब लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार आप सब लोग आइए और महादेव का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय भवनाथ, जय भवनाथ, जय भवनाथ।